गुड इवनिंग एवरी वन माइसेल सावेदी सरगम एंड आई एम योर मेंटर फॉर योर यूजीसी नेट इकोनॉमिक्स एग्जाम टूडे इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू रिवाइज कॉन्सेप्ट रिलेटेड टू मैक्रो इकोनॉमिक्स फ्रॉम द पास्ट ईयर पास्ट ईयर पेपर में जो इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट हैं जैसे आई एस एल एम एसेलरेटर मॉडल और नेम्स ऑफ द इकोनॉमिस्ट वो आज हम सब रिवाइज करने वाले हैं सो लेट लेटेस्ट गेट इन टू द वीडियो बिफोर गेटिंग इन टू द वीडियो प्लीज सब्सक्राइब टू आर यूट्यूब चैनल एंड प्रेस द वेलाइक सो दैट यू नेवर मिस एनी अपडेट ये सेशंस हम मंडे वेडनेसडे फ्राइडेज लेके आती हूं मैं फॉर यू जी सी नेट इकोनॉमिक फॉर ट्यूजडे थर्सडे एंड सैटरडे शिवम सर आर टेकिंग फॉर कॉमर्स पेपर टू मैनेजमेंट पेपर टू एंड पेपर वन फॉर यूजीसी नेट सो डू प्रेस द बेलाइकन सो दैट यू नेिस ऑल दीज अपडेट ऑल्सो गाइज टू ज्वाइन आर टेलीग्राम ग्रुप हेयर वी कंडक्ट डेली क्विजेस And you can solve your queries related to your UGC net economics exam. Also, guys, I have a great announcement for you guys that we have come up with our course, and you can contact us at 9999 466 or check out our website anujindal.in. Also, guys, we have released the paper one UGC net book and you can check them out and the links are in the description box let us start with our question number 1 as per islm framework an increase in the government spending will result in increase in the income and interest rate both increase in income only c part says decrease in the investment and the interest rate both D part says decrease in the income and interest rate both. Now these are your option. आपको ये बताना है कि ISLM framework में अगर increase होता है government spending का तो उस पर क्या असर होता है economy पे ये आपके options है कि increase होता है income और interest rate दोनों ही आपकी जो income है वो सिर्फ increase होती है decrease in the investment होता है और जो uh, interest rate है वो भी decrease कर जाता है एंड डी पार्ट इज डिक्रीज इन द इनकम इनकम आपका लेवल डिक्रीज करता है और इंटरेस्ट रेट भी सो लेटेस्ट मूवमेंट टू द डायग्राम ऑफ आई एस एल एम आपकी गवर्नमेंट स्पेंडिंग इनक्रीज कर दी है ना वी ऑल नो दैट द नेशनल इनकम इज डिटर बाई सी प्लस आई प्लस जी प्लस द नेट एक्सपोर्ट दिस इज द इक्वेशन देयर सी इज द कंजम्शन आई इज द इन्वेस्टमेंट जी इज द गवर्नमेंट स्पेंडिंग एंड दिस इज द नेट एक्सपोर्ट तो अगर गवर्नमेंट स्पेंडिंग हम कह रहे हैं इंक्रीज कर रही है सो दिस फैक्टर इज गोइंग टू इंक्रीज अगर गवर्नमेंट स्पेंडिंग को इंक्रीज करना है सो so क्या होगा कि आपकी जो नेशनल इनकम है वो इंक्रीज करेगी आईसील मॉडल से समझ सकते हैं कि एट ईच लेवल ऑफ इंटरेस्ट रेट देर इज अ देर इज गोइंग टू बी एन इनक्रीज इन द लेवल ऑफ इनकम तो हर लेव इंटरेस्ट रेट के लेवल पे अगर इंक्रीज होगा तो द आई ए एस कर विफ्ट आउटवर्ड्स इफ दिस वॉज द इनिशियल पोजिशन विद द इनक्रीज इन द गवमेंट स्पेंडिंग फॉर एग्जाम्पल गवर्नमेंट इज इन्वॉल्व इन वेलफेयर एक्टिविटीज और फॉर एग्जाम्पल गवर्नमेंट इज बिल्डिंग अ ब्रिज गवर्नमेंट अगर कोई ब्रिज बना रही है या कोई वेलफेयर एक्टिविटी कर रही है जैसे कि एम प्रोवाइड कर रही है फार्मर्स को नाउ दिज आर द वेलफेयर एक्टिविटीज तो क्या होगा आपकी जो नेशनल इनकम है वो इंक्रीज करेगी फ्रॉम दिस पॉइंट टू दिस पॉइंट एंड यू कैन सी दैट द इंटरेस्ट रेट्स आर ऑल्सो राइजिंग सो देर इज एन इंक्रीज इन द इनकम लेवल एंड इन द इंटरेस्ट रेट

डिटरमाइंड बाय द चेंज इन एसिलेटर मॉडल क्या डिटरमाइन करता है आपको ये बताना है इसमें इंटरेस्ट रेट डिटरमाइन करता है इन्वेस्टमेंट को आउटपुट लेवल डिटरमाइन करता है कैपिटल डिटरमाइन करता है या इन्वेंट्री डिटरमाइन करता है नाउ दीज आर योर ऑप्शन एंड डू लेट मी नो इन द चार्टॉक्स वो थिंक इज द करेक्ट आंसर सो गाइज एसेलरेटर मॉडल को एक बार देख लेते हैं नाउ एसेटर मॉडल इज

जिस लेवल पे इंटरेस्ट रेट इनक्री इन्वेस्टमेंट इंक्रीज करी है इसका मतलब क्या है देर इज अ मल्टीप्लायर इफेक्ट एक प्रोपोर्शन में इंक्रीज कर रही है आपकी नेशनल इनकम सो हेयर वी हैव द एसेलरेटर मॉडल विच सेज कि जो इन्वेस्टमेंट है दैट इज डिपेंडेंट ऑन इनकम एज वेल मल्टीप्लायर मॉडल कह रहा था कि इनकम इज डिपेंडेंट ऑन द इन्वेस्टमेंट हेयर वी से ट इन्वेस्टमेंट इज डिपेंडेंट ऑन द लेवल ऑफ इनकम ओके इसको देने वाले थे क्लार्क जेएम क्लार्क एंड ही प्रपोज दिस एसेलरेटर मॉडल थ्यूरी ओके सो इसका मतलब ये है जो आपकी इन्वेस्टमेंट है वो प्रोपोर्शनेट है किससे आपकी इनकम से वेन द इनकम इनक्रीजेस देन यर इन्वेस्टमेंट लेवल विल ऑल्सो इनक्रीज इसको वो एक तरीके से समझाता है दैट द कैपिटल इज डिपेंडेंट ऑन योर लेवल ऑफ इनकम ओके टी इज द टाइम पीरियड हेयर ऑल्सो वेन देयर इज अ चेंज इन दिस कैपिटल रिक्वायरमेंट इट इज अगेन डिपेंडेंट

चेंज इन द कैपिटल लेवल इज इक्वल टू योर इन्वेस्टमेंट जो कैपिटल है उसको जो आप चेंज करते हैं वो ही आपकी इन्वेस्टमेंट बनती है विच फ्रॉम हेयर इज डिपेंडेंट ऑन द चेंज ऑफ द इनकम लेवल दिस इज द बेसिक मॉडल अल्टीमेटली वो ये कहना चाह रहा है कि इन्वेस्टमेंट जो नेक्स्ट पीरियड में जा रही है वो सिर्फ़ और सिर्फ डिप्रीसीशन पे डिपेंडेंट नहीं है डिप्रीसीशन का मतलब कि जब आपकी कोई कैपिटल है वो रह गई पड़ी रह गई और वो नेक्स्ट पीरियड में जाती है तो वो डेप्रीशिएट कर जाती है उसकी वैल्यू थोड़ी सी कम हो जाती है फॉर एग्ज़ाम्पल आप घर में भी देख सकते हैं कोई भी आप मशीन ख़रीदते हैं फॉर एग्ज़ाम्पल योर ए सी नेक्स्ट पीरियड में नेक्स्ट ईयर जब आपको दोबारा अपने ए को यूज़ करते हो वेन यू यूज योर ए इन द नेक्स्ट पीरियड यू विल कम टू नो दैट दिस ए सी इज नॉट वर्किंग इज नॉट फंक्शनिंग दैट वेल तो उसको इम्प्रूव करने के लिए यू बाय अनदर एसी ओके एक तो ये रीजन हो गया कैपिटल इन्वेस्टमेंट करने के लिए इसको बड़े लेवल पे भी देख सकते हैं मैक्रो लेवल पे भी देख सकते हैं दैट योर फॉर एग्जांपल योर मशीनरीज आर गेटिंग ओल्ड सो यू हैव टू बाय सम न्यू मशीनरीज नेक्स्ट रीजन इज विद द इंक्रीज इन द इनकम द एग्रीगेट डिमांड ऑल्सो इंक्रीजेस एंड फॉर दिस इंक्रीज इन द एग्रीगेट डिमांड यू नीड टू अक्यूमुलेट मोर कैपिटल एंड हें योर इन्वेस्टमेंट विल इंक्रीज विद द इंक्रीज इन द नेशनल इनकम सो क्या हो गया इन्वेस्टमेंट किस चीज पे डिपेंडेंट है यहां पर आउटपुट लेवल पे ओके सो दिस इज द एक्सेलरेटर मॉडल लेट इज कम बैक टू आर क्वेश्चन सो हेयर यू नो दट इन्वेस्टमेंट इज डिपेंडेंट ऑन योर आउटपुट एंड आई होप यू हैव बीन आंसरिंग इन द चार्टॉक्स द करेक्ट आंसर इज बी हेयर

and now you guys can easily answer this particular question. Consumption जो है that is directly proportional to your level of income. इसलिए उसको आइडेंटिफाई करना मुश्किल का काम नहीं है Aggregate डिमांड जो है दैट इज dependent ऑन कंजम्पशन एंड इन्वेस्टमेंट जो भी हम कंज्यूम करते हैं या फिर जो भी हम इन्वेस्ट करते हैं इन अ टू सेक्टर इकोनॉमी वही हमारी एग्रीगेट डिमांड कॉन्स्टिट्यूट करती है इन अ टू सेक्टर इकोनमी कंजम्पशन एंड इन्वेस्टमेंट एक्चुअली गिव्स मी द एग्रीगेट डिमांड नेक्स्ट इज द एग्रीगेट सप्लाई नाउ एग्रीगेट सप्लाई एक्चुअली कम्स फ्रॉम द कंजम्पशन एंड द सेविंग्स क्योंकि यही सेविंग्स आप नेक्स्ट पीरियड में यूज करते हैं एंड देन यू हैव द सेविंग्स फंक्शन विच इज ऑपोजिट ऑफ योर कंजम्पशन फंक्शन Okay, so I hope you have been answering in the chat box, and the correct answer here is D is your correct answer. Let us see how the aggregate demand should be matched with this 2. Consumption function is here, 3. Aggregate supply is related to the savings, and the savings function is this. नेगेटिव ऑफ यंजम्पन फंक्शन सो दिस इज वन सो डी इज योर करेक्ट आंसर लेटस मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन विच अमॉन्ग द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच प्लीज नोट हेयर हैज बीन आस्ट दैट नॉट करेक्टली मैच इस नॉट को थोड़ा ध्यान से पढ़ना एग्जाम में ऑनलाइन मीडियम का एग्जाम होगा वैसे भी यू कैन मिस आउट ऑन सम्स ए पार्ट्स इज एम फ्रीडमैन मैच विथ कैपिटल एंड फ्रीडम बी पार्ट इज अमरत्यान मैच विद आर्ग्यूमेंटेटिव इंडियन सी पार्ट इज जोसे मैच विद इन डिफेंस ऑफ द ग्लोबलाइजेशन डी पार्ट इज रुचि शर्मा मैच विद राइज एंड फॉल ऑफ नेशन अब इसमें से आपको बताना है चैट बॉक्स द करेक्ट आंसर हेयर इज सी जोसेफ स्टिगलिस मैच विद इन डिफेंस ऑफ ग्लोबलाइजेशन दिस इज रॉन्ग एम फ्रीडमैन ने कैपिटल एंड फ्रीडम लिखी थी नाइनटीन सिक्सटी टू में अमरत्यान ने आर्ग्यूमेंटेटिव इंडिया लिखी थी टू थाउजेंड फाइव में एंड रुचि शर्मा ने द राइज एंड फॉल ऑफ नेशन टू थाउजेंड सिक्सटीन में लिखी थी दिस इज अ वेरी रिसेंट बुक नाउ यू गाइज कैन मेक अ नोट ऑफ दीज ईयर्स टू सो दैट क्रोनोलॉजी में अगर कभी लगाना है तो भी आप क्वेश्चन को सॉल्व कर पाए लेटस मूव ऑन टू दैक्स्ट क्वेश्चन इकोनॉमिक रेफर्स टू अ अनएंटिस इनफ्लेशन दैट रिड्यूसेस द रियल वैल्यू ऑफ द आउटस्टैंडिंग गवमेंट डेट नाउ दिस क्वेश्चन हैजू पार्ट इस क्वेश्चन के दो पार्ट हैं पहला है अन एंटीसिपेटेड इन्फ्लेशन होना चाहिए और वो रिड्यूस कर रहा है किसको रियल वैल्यू ऑफ द आउटस्टैंडिंग गवर्नमेंट डेट इसका मतलब है मनी इज इन्वॉल्व किसी ने लोन लिया हुआ है किसी को रीपे करना है और अगर गवर्नमेंट के रियल वैल्यू ऑफ आउटस्टैंडिंग गवर्नमेंट डेट की वैल्यू जो है वो रिड्यूस हो रही है मतलब गवर्नमेंट का तो फायदा हो रहा है गवर्नमेंट इज एक्चुअली गेटिंग अ गेन आउट ऑफ इट क्यों जिस टाइम पीरियड में उसने लोन लिया था और अगर आज कंसीडर करें व्हेन द इन्फ्लेशन हैज ऑलरेडी हैपन्ड देन देर इज दे अ ट्रांजेक्शन इन द वैल्यू ऑफ मनी जो वैल्यू ऑफ़ मनी है वो घट गई है मेरे हाथ में जो पैसा था इन्फ्लेशन आने से उसकी वैल्यू घट गई है कैसे पहले मैं दस रुपये के दो एप्पल खरीद सकता था अब मैं दस रुपये का एक ही ऐपल खरीद सकता हूँ तो मेरे वैल्यू ऑफ मनी जो है वो कम हो गई है परचेजिंग पावर मेरी कम हो गई है तो अब इनमें से इन ऑप्शन में से आपको आंसर देना है अब बर्डन ऑफ इन्फ्लेशन ये एक बर्डन है इन्फ्लेशन का इसको ये डेफिनेशन है अनएंटिसिपेटेड डिफॉल्ट साइनरेज डी पार्ट इज इन्फ्लेशन टैक्स नॉट डू लेट मी नो इन द चैट बॉक्स वट इज वट डू थिंक इज द करेक्ट आंसर आई हैव गिवन यू अंट हेयर

अन एंटेसिपेटेड डिफॉल्ट गवर्नमेंट नहीं करेगी डिफॉल्ट कौन करता है डिफॉल्ट का मतलब क्या है आपने जो लोन लिया था उसको आप रीपे नहीं कर पा रहे बट यहाँ क्या हो रहा है गवर्नमेंट तो ईजिली पे कर सकता है लोन को क्योंकि इन्फ्लेशन हो गया है तो जिस कॉस्ट पर उसने लोन लिया था वो अब कम हो गई है उसके लिए सो देर इज अ अनएंटेसिपेटेड डिफॉल्ट यह सिचुएशन नहीं आएगी डी पार्ट इज योर करेक्ट इन आंसर इन्फ्लेशन टैक्स है ये इन्फ्लेशन टैक्स लग रहा है और किस पे लग रहा है जिसने लैंड किया था जो आपकी वैल्यू ऑफ मनी है वो कम हो गई है सो द मनी द कैश विच यू आर होल्डिंग उसकी वैल्यू कम हो गई है सो so, ये इन्फ्लेशन आने से हेयर वी हैव टैक्स, असूडो क्यों बुला रहे हैं क्योंकि कोई लगा नहीं रहा है लेकिन इकोनॉमिक कंडीशन ऐसी हो गई है कि ये टैक्स जैसा लग रहा है जहां पे इन्फ्लेशन आने की वजह से आपके ऊपर एक टैक्स लग रहा है एडेड आपको एक वैल्यू देनी पड़ रही है सो डी इज योर करेक्ट आंसर टअस मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ स्टैग फ्लेशन स्टैग फ्लेशन का मतलब क्या है स्टैगनेंट है इकॉनमी और इंफ्लेशन भी है इकॉनमी में इसका मतलब क्या है अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज्यादा है अंडर इंप्लॉयमेंट ऑफ रिसोर्सेज है द रिसोर्सेज आर अंडर इंप्लॉयड एंड देर इज अनएम्प्लॉयमेंट in the economy which is very high and inflation is also high okay these are your option high inflation rate high unemployment low growth and high employment so do let me know in the chat box i have given you a big hint here so i hope all of you would be able to answer this so the correct answer is high employment stagflation may च इज नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक पूछा हुआ है स्टार फ्लेशन का कैरेक्टरिस्टिक हाई एम्प्लॉयमेंट नहीं है लोअर इंप्लॉयमेंट है लेटेस्ट मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन इन द एडजस्टिंग डायग्राम विच ऑफ द फॉलोइंग इफेक्ट विल ऑल्टर द एग्रीगेट डिमांड ओके ये एग्रीगेट डिमांड कब है Y है एक्सिस पे आपका प्राइस लेवल है x एक्सिस पे आपका इनकम लेवल है ए पार्ट इज ट्रेड इफेक्ट बी पार्ट इज लिक्विडिटी इफेक्ट सी पार्ट इज वेल्थ इफेक्ट एंड डी पार्ट इज ऑल ऑफ द अबव सो काइंडली लेट मी नो इन द चार्ट बॉक्स डू यू थिंक इज द करेक्ट आंसर वेल्थ इफेक्ट क्या होता है वेन यूर वेल्थ इनक्रीजेस देन यू डिमांड मोर इनकम इंक्रीजे डिस्पोजेबल इनकम जो आप कंजम्पन में यूज करते हैं या फिर आप इन्वेस्टमेंट के लिए जो यूज करते हैं अपनी सेविंग्स को वो इंक्रीज कर गई है तो एट एवरी लेवल ऑफ प्राइस योर डिमांड कर विल चेंज सो वेल्थ इफेक्ट होता है एग्रीगेट डिमांड का इस कर पे इफेक्ट आएगा Next is your liquidity effect. Liquidity effect is related to liquidity. When liquidity changes, for example, liquidity increases. To kya. Hoga? You have more money in your hand. When you have more money in your hand, you will demand more. Once you demand more, the aggregate demand will increase. So, yes, liquidity effect ka bhi effect effect. Next is the trade effect, which means trade creation. या ट्रेड डाइवर्जन दोनों ही इफेक्ट होंगे फॉर एग्जाम्पल कहीं भी ट्रेड जो है वो इंक्रीज कर गया है द एक्सपोर्ट्स हैव इंक्रीज तो भी क्या होगा यू विल डिमांड मोर क्योंकि एक्सपोर्ट इंक्रीज कर गया है डोमेस्टिक नेशन के लिए बहुत अच्छी बात है जो परचेजिंग पावर है वो इंक्रीज कर जाएगी नेक्स्ट इज इवन इफ द इम्पोर्ट्स इंक्रीजेस तो क्या होगा आपकी नेशनल इंकअप फिर से चेंज हो जाएगी ओके सो ऑल ऑफ द अब इज द करेक्ट आंसर दिस वॉज द लास्ट क्वेश्चन इन दिस सीरीज सो डू लेट मी नो इन द चैट बॉक्स कि आपके सेवन में से कितने मार्क्स आए एंड आई होप दैट यू हैव बीन प्रिपेयरिंग वेल आप अच्छे से तैयारी कर रहे हैं सो कीप योर मोटिवेशंस अप एग्जाम की डेट अब कभी भी अनाउंस हो सकती है लास्ट टाइम भी वी नो दैट द एग्जाम्स डिड टेक प्लेस सो कीप ऑन विद योर स्टडिंग एंड कीप ऑन विद योर प्रिपरेशन एंड आई होप दैट यू लाइक दिस सेशन इफ यू डिड प्लीज गिव इट द थम्स अप थैंक यू एंड हैव अ वेरी नाइस डे